हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सेम डे में ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। मम्मी आ गई है ऊपर एंड आज मम्मी ने ना वो कहावत सच्ची कर दिया। कहाँ गए नेगी जी? मैं और नेगी जी ना इसको सही रख रहे थे तो मैंने कहा मेरी साइड इतना है और नेगी जी ने अपनी तरफ खींचा तो इतना था, तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं वो तो बराबर कर रहा था इधर की तरफ उधर की तरफ। मतलब दामाद को मैं सच के साथ वो जो कॉमेडी वाली चीजें बनती है ना कि दामाद सास सास दामाद का ही साथ देती है एट द एंड। उसका साथ देती हूँ जो सच होता है, चाहे जो गलत होता है मैं बोल देती हूँ उसको। आपका वो सच का साथ देने वाला इंसान गया कहाँ? लेकिन ये आधा अधूरा काम छोड़ के कहाँ चला गया वो इंसान? ज्यादा नहीं कूद पाती मैं। मम्मी कैसे कूद रही हो आप? फ्रेंड्स, मम्मी और संदीप गए हैं नीचे धूप सेकने के लिए और मुझे छोड़ा हुआ घर पे क्योंकि मम्मी लेकर आई थी बड़ी। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी वाली बड़ी। ये वाली जो बड़ी होती है ना भुजेला वाली, मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, ये लाई है और ये लाई है काली दाल की बड़ी, तो ये लेकर आई है मम्मी। तो मैं ये बना रही हूँ आज, मुझे ये बहुत पसंद है। आज मैं ये वाली बड़ी बना रही हूँ खाने पे, तो मैंने मम्मी को बोला यहीं से खा के जाना। तो मम्मी, कृषि, प्रिया, संदीप नीचे है। प्रिया तो अपने घर जाएगी पर मम्मी और संदीप ऊपर आएंगे खाना खाने के लिए, तब तक मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना। मैंने यहाँ धोकर रखे हैं बड़ियों को, मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था और ये मेरा मसाला भुन रहा है। पानी रखा है साइड में गरम करने के लिए, बस अब जल्दी जल्दी से बना दूंगी। दिन का खाना बहुत भूख लग रही है, 3 बज गए हैं एक्चुअल में। फ्रेंड्स, आज लेगी जी की शाली ऊपर आई है, सासू माँ आई है, तो पता है पूरा घर महक रहा है इलायची की खुशबू से। ये रही प्रिया और वो रहा कृषि। प्रिया जीजू पता है मेले नहीं बनाते चाय ऐसे, इतनी खुशबूदार इलायची वाली। कब बनाई तूने लास्ट टाइम बता, बताया प्यार से चाय? ऑलवेज। और ये बच्चा हमारा ऑरेंज किसी क्या है ये? मम्मी खुशबू आ रही है आपको इलायची की? स्ट्रॉन्ग इलायची वाली खुशबू। अरे बैठ, मम्मी बैठ जाएगी ना पहले, तभी रख लेंगे उठा लेंगे। कह रहे ऐसे खा रहा है खप खप। क्या है ये? ऑरेंज 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 कह रहा ऑरेंज नहीं है। वाह की जी ऑरेंज कह रहा है ऐसे खाते। क्या है ये? ऑरेंज ऑरेंज। अरे वो खुद ही बोलता है। ये कौन सा कलर है? White. अभी उसको ऑरेंज खा रहे अभी वो इमेजिनरी ऑरेंज खा रहे हैं। और ये बच्चे ऐसे क्यों करते हैं? जैसे इतनी देर से बोल रहा था, जब पूछा दिमाग खाया था, बोलूंगी कि जब पूछते तो बताते, मना कर देते था। इतना मन कर रहा है क्या आपका खाने का ऑरेंज? मैं दूं खोल के? रात के बज रहे हैं 9:30 और मैं, नेगी जी, मम्मी जा रहे हैं सब्जी मंडी क्योंकि आज मंडी भी लगती है, तो थोड़ी बहुत चीजें खरीद के ले आएंगे। अभी कुछ मंडियां रात को लगती है, कुछ मंडियां नहीं, सब्जी मंडी जाता रात को ही लगती है, नहीं सुबह भी लगती है। बस अब जा रहे हैं, ठंड इतनी है ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखी थी तो प्रॉपर मफलर पहन के आए हैं। ठंड में स्नेहा जी का दिमाग काम करना बंद कर जाता है, फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज। चलो चलते हैं मंडी, फिर देखते हैं क्या क्या सामान लेते हैं मंडी से। बज रहे हैं यहाँ पे, बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 11:20 और ये जो मैडम है यहाँ पे, ये सब मंडी से ये सब्जी लेके आई इस टाइम पे। ये देखिए क्या क्या लिया है तुमने, बताना जरा यार क्या क्या है इसमें। यार बहुत सही मिल जाती है मंडी में सब्जियाँ, और रेट भी बताना क्या क्या है ये। यार रेट क्या बताना, अभी मटर, गाजर, मिर्ची, पालक बीन्स, धनिया, अंगूर मैं स्पेशली अपने पति के लिए लाई हूँ। अच्छा, केले भी, शिमला मिर्च, टमाटर, आलू, प्याज। कितने का पड़ा है सारा कुछ?
अब ऐसे तो मैंने एस्टिमेट लगाया नहीं कि कितने का पड़ा है। एस्टिमेट ज्यादातर चीजें 20 रुपए, सिर्फ सबसे महंगा है प्याज 100 का 3 किलो, 100 का 3 किलो। उसमें भी उसने कुछ कुछ ऐसे प्याज रख ही दिए। 50 के आलू है 2.5 किलो, गाजर 20 रुपए किलो है, 10 रुपए किलो भी मिल रही थी बाद में, मटर 20 रुपए की आधा किलो है, पालक 30 की दो गड्डियां थी, एक मम्मी ने ली एक मैंने ली, तो 15-15 की पड़ गई। मिर्ची 20 रुपए की पाव, बीन्स भी मेरे ख्याल से मैं 20 की लाई हूँ, शिमला मिर्च 20 की पाव, ये अंगूर जो रखे वो रखे 100 के किलो ग्रीन वाले, और ब्लैक वाले थे 140 के, पर मुझे तो ब्लैक वाले सूट नहीं करते, और नेगी जी को पसंद है लेकिन गला इस टाइम पे खराब होता है, तो मैं ग्रीन वाले ले आई हूँ। तुम 500 रुपए लेके गए थे, वो तुम्हारे पॉकेट में तो वैसे वापस आ गए, तो पेमेंट किसने करी? पेमेंट आपने करी है पेटीएम से, पर एक बात चीज की मैंने भी करी है। अच्छा, वो आपने याद दिला दिया, अच्छा वो हिसाब अभी कर लेंगे। ओके, तो चलो गाइज मैं इन सबको संभाल लेती हूँ। हम दोनों के बीच में भी हिसाब होता है क्या? सबके बीच में हिसाब होता है, माँ बाप के बीच में भी होता है, मम्मी पापा से भी होता है हमारा। पका बोने? चलो, इससे ज्यादा कुछ ब्लॉग तो नहीं बनाया, पर पी रही हूँ शाम की चाय, एंड थोड़ी देर में मैं जाऊंगी टेलर के पास कपड़े देने के लिए। अभी तो मैं पी रही हूँ चाय शाम की, ठंड बहुत हो रही है क्योंकि, तो चाय वाय पीती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। स्नेहा जी तैयार हो गई है, कहाँ जा रहे हो आप? फ्रेंड्स, मैं इतना सारा सामान टेलर को देने जा रही हूँ, ज्यादातर साड़ियाँ ही है और ब्लाउज ही है। अच्छा, टेलर क्या 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 करवाना तुमने टेलर से? साड़ी वगैरह ड्रेस करवानी है, ब्लाउज बनवाने हैं, सो हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं और आते हैं जल्दी। तुम सारे काम जल्दी करते हो क्या? यार अभी बहुत सारी चीजें जो करवानी है, अगले महीने शादी है। ये कुतुब मीनार। एंड फ्रेंड्स, जहाँ पे मैं सूट देने आई थी ना, साड़ी वगैरह देने आई थी, वहां पे एक मोमोज का ठेला लगता है, बहुत बहुत टेस्टी मोमोज मिलते हैं। यहाँ पे प्रिया छुप रही थी, हम सबको ही यहाँ के मोमोज बहुत पसंद है, और इसको देखो ये उतनी देर वहीं खड़ा रहा जितनी देर हम मोमोज खा रहे थे। क्या बोल रही हो? अरे मैं बोल रही थी यहाँ पे जरूर आ रहा है खाना, जरूर मोमोज, इतने स्वाद लग रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ। वाह, लो आप भी खा लो। तो फ्रेंड्स, टेलर के पास से आ गए हैं, जितने कपड़े डालने थे वहां देने थे वो दे दिए हैं, अब वो कुछ दिनों में मिलेंगे। बीच में मुझे दोबारा जाना है उसके पास कपड़े देने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है यार, शादी में समझ नहीं आता कितने कितने कपड़े बनने हैं, तो साड़ियां हो गई, सूट वूट हो गए, बाकी देखो यार क्या क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी को देखो, पीछे भजन गा रही है मम्मी और डांस कर रही है। मम्मी ने हमें इन्वाइट किया आज। भजन ये जिंदगी बेकार है, कॉपीराइट आ जाएगा, अब इतना अच्छा गा रही हो। मम्मी आपने हमें क्यों इन्वाइट किया आज? हैं? हमारे घर में बचा कुछ खाना हो गया। गाइज, मुझे मम्मी चुप कराने के चक्कर में अभी चाय फुका दी थी मम्मी ने, चाय गिर जाती ना अभी तब पता चलता आपको। मम्मी यार गिर जाएगी, फिर आप ही को गैस साफ करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मम्मी घी गरम कर रही है दोबारा से, मम्मी कह रही है इस घी में थोड़ी सी खुशबू कम आ रही थी, कच्चा पंदा शायद या तो मम्मी इसलिए इसे दोबारा से पका रही है। नेगी जी को बोला था कि हम चाय नहीं पियेंगे, यार शाम को ही चाय पी थी तो ज्यादा चाय हो जाती है, लेकिन मम्मी और नेगी जी को लालच आ गया चाय का कि ठंड है चाय पी लेते हैं, तो मम्मी और नेगी जी पियेंगे चाय। और मेरा व्लॉग आ गया है, तो अभी मेरा व्लॉग चल रहा है, अभी हम देखेंगे। इतनी गरम खिचड़ी कि रिव्यू देने वाला हा, 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 कर रहा है। अभी रुको मैं बताता हूँ। मम्मी हैप्पी मकर संक्रांति। तो बनाते उससे बढ़िया अच्छी नहीं है। मेरे से तो बढ़िया ही है सब कुछ, क्योंकि बनाने वाली मेरी माँ है ना, इसीलिए। और स्नेहा जी अब बताओ कैसा हो रहा है? फूक मारते मारते मेरे मुंह खुशबू की वजह से ना पानी आ जा रहा है। ओ जल्दी खा के बताओ कैसा हो रहा है? मेरी तो फेवरेट है खिचड़ी, मेरे को गली गली खिचड़ी पसंद है, गली बहुत मस्त हो रहा है। क्या 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 डाला है इस खिचड़ी में? इसमें है राजमा, उड़द, भट्ट है ना, काले भट्ट भी सफेद भट्ट भी। ये बहुत ही गुणकारी खिचड़ी है, गुणकारी खिचड़ी और यम्मी, इतनी यम्मी हो रही की शब्द ही नहीं आ रहे बाहर। हाँ, मुंह में तब तक पानी आ जा रहा है, लपट लपट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो गया है एंड आज बन रहे ब्रेकफास्ट में सैंडविच। तो मैंने सैंडविच का मसाला बना दिया था,
मतलब इसमें मैंने प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, थोड़ी सी मेयो वगैरह डाल के इनको मिक्स कर लिया है, ऐसे करके ब्राउन ब्रेड में भर लिया है और सैंडविच मेकर में इसको ग्रिल कर दी हूँ। बस ब्रेकफास्ट यही आज का चाय के साथ, okay. क्योंकि नेगी जी का आज भी घर से काम है तो चाय के साथ हम यही लेंगे। एंड चाय बन गई है, दूध के पतीले में इसलिए बनाई है क्योंकि दूध का पतीला ढूंढना है, दूध खत्म हो गया था इसमें, फिर दूध बॉइल कर लूंगी ना। और फ्रेंड्स यहाँ पे रात के डिनर की तैयारी हो रही है, मैं बना रही हूँ आज दाल पालक। सो चने की दाल यहाँ पे धोई है, पालक धो दिए हैं, प्याज चॉप कर लिया है, जिंजर चॉप कर लिया है, एंड यहाँ पे बन रही है शाम की चाय और ये है तड़के में सरसों का तेल। सो मैं बस बना रही हूँ रात का खाना। एंड आप लोगों को लग रहा होगा खाना जल्दी क्यों बन रहा है, क्योंकि शाम हो गई है और आजकल ना ठंड में वैसी मन नहीं करता पानी में हाथ डालने का, तो ऐसे लगता है जल्दी जल्दी से कुकिंग हो जाए तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है। गाइज यहाँ पे मैं दाल को अच्छे से भून लूंगी, तब ये दाल बहुत स्वाद होती है, उसके बाद इसमें पानी डाल के सीटी मारूंगी। एंड एंड में ना थोड़ा सा घी डालना, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत पौष्टिक बनती है ये वाली दाल। फ्रेंड्स मैं गोभी काटने वाली थी, ये देखो गोभी में क्या है, ये अच्छा होता है, इसकी अच्छी सब्जी बनती है, तो मैं आपके लिए बना दूं। मेरा तो मूड ही खराब हो गया गोभी में कीड़ा देख के, अब मेरा ये गोभी खाने का मन नहीं कर रहा। अरे यार वो गिरेगा, रुक जाओ। अरे मर चुका, इसके सूप बन जाएगा। पति कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, नीचे गिरेगा, अभी हिल रहा था वो। फ्रेंड्स ये गोभी खराब हो गई या यूज कर सकते हैं मुझे बताना एक बार। गाइस फाइनली यहाँ पे सारी सब्जी, गोभी को मैंने बहुत अच्छे से गर्म पानी में नमक डाल के धोया है, उसके बाद ठंडे पानी से धोया है। यहाँ प्याज, गाजर, आलू भी छिल दिए मैंने, मटर भी डालूंगी और कढ़ाई चढ़ा दी है। मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेजिटेबल, सर्दियों का सबसे फेमस सब्जी। सो फ्रेंड्स जैसा कि मैं बोलती हूँ ना, हर किसी के घर का एक कंफर्ट वाला फूड होता है, तो आजकल सर्दियों में ना मुझे लगता है ज्यादातर घरों में ना आलू गोभी मटर गाजर मिक्स करके सब्जी बनाना, मतलब हमारे घर में तो बचपन में इतना बनता था ना ये सब्जी, और इसका टेस्ट मतलब मुझे हमेशा इतना पसंद आता है। आप लोग मुझे बताना कि सर्दियों में आप लोग भी गाजर का, आलू गोभी, मटर का पूरा फायदा उठाते हो ना, मतलब इतनी टेस्टी सब्जी बनती है, बच्चे से बच्चे को पसंद आती है। आप सब्जी बनाओ, इसका पराठा बनाओ, इसको आप पुलाव के लिए यूज करो, मटर पुलाव, मिक्स वेजिटेबल पुलाव, बहुत ही टेस्टी बनता है। सो जो गोभी थी मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी, बहुत दो तीन बार वॉश करी गर्म पानी में, ठंडे पानी में, उसके बाद में इसकी सब्जी बना रही हूँ। एंड मटर वगैरह तो मेरे पास छिले हुए पड़े हुए थे, मटर गाजर मैंने सेम टाइम पे छिली, आलू छिला उसी टाइम पे और बना दिया, मतलब पुरानी यादों को ताजा कर लिया। सिंपल से मसाले डालती हूँ मैं, ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा मैंने सब्जी मसाला आजकल डालना शुरू किया है क्योंकि मैंने सब्जी मसाले का पैकेट खरीद लिया था। सो वो जो किचन किंग का मतलब सब्जी मसाला है, बहुत बहुत टेस्टी होता है। अगर आप लोग भी थोड़ा थोड़ा डालना चाहें, सब्जी को एक अलग सा फ्लेवर देना चाहें, तो आप लोग भी यूज कर सकते हैं किचन किंग का मसाला, थोड़ा बहुत कभी कभार डाल लीजिए, कभी कभार साथ ही सब्जी बना लीजिए। वैसे तो सब्जी में ज्यादा कुछ, देखिए गरम मसाला डालने से मुझे ना फ्लेवर गले में बहुत ज्यादा मतलब जलन सी लगती है, तो इसलिए मैं गरम मसाला ऐड नहीं करती हूँ, सिंपल धनिया, हल्दी, मिर्च, नमक ये सब डालती हूँ और इसी के साथ एक सादी सी सब्जी बना लेती हूँ। कुछ लोग गरम मसाला हमेशा ही यूज करते हैं, सो वो उनका टेस्ट है, जो उनका टेस्ट अक्वायर हो चुका है उस चीज के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी सब्जी में मेथी भी ऐड कर सकते हैं, मेथी डाल के भी ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। थोड़ा सा मैंने इसे खुली आंच पे पकाया है और थोड़ा सा ढक के पकाया है। आप इसको ढकने के बाद भी थोड़ा सा 5 मिनट या 2-3 मिनट एटलीस्ट खुली आंच में पकाइए, ये सब्जी बहुत बहुत अच्छी बनती है। एंड सर्दियों में हमारे घर में तो ये सब्जी बहुत बार बनती थी, आप लोग बताना कि आपके यहाँ पे ये सब्जी बनती थी या नहीं बनती थी, मिक्स वेजिटेबल वाली। तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ और फिर मुझे आटा वाटा लगाना है, रोटी बनानी है। वीडियो को मैं सोचूँ यहीं एंड कर लेती हूँ, आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी नए वीडियो के साथ। आई होप आपने ये वीडियो मेरे साथ एंजॉय किया होगा।
अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपना प्यार यूं ही स्नेहा रावती के साथ बनाए रखना। बाय।